पुलिस भवन घेराव कांग्रेस कार्यक्रम योजो आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन एमएलए जिग्नेश मेवाणी साथ वर्तन अविरोध में घेराव करोंग्रेस कार्यक्रमों ने लोग पुलिस भवन पास भेगा पुलिस भवन की आसपास चुस्त सुरक्षा बंदोबस्त गोठवायो अही मोटी संख्या में अनुसूचित समाज आगे पुलिस भवन पहुंचा है। राजकुमार पांडियन साथ जिग्नेश मेवाणी विवाद मामले हवे रजूआत कर कच्छ में अनुसूचित समाज की जमीन में दबाण मामले राज्य पुलिस वड़ा ने रजूआत कराशे। राज्य पुलिस वड़ा ने एमएलए जिग्नेश मेवाणी सहित आगे रजूआत करशे। आंगे वधु माहिती आपवा संवाददाता हितल पारेख गांधीनगर थी अमारी साथे जोड़ाई रहा छे। हितल, पुलिस भवन की आसपास कांग्रेस नेताओं जमावड़ो रोध पण करवामां आवशे, जाणवा मांगीशुं शुं स्थिति छे त्यां अने शुं इच्छी रही छे कांग्रेस। जी चौक्स एवं कही सकते हूँ कैमरामैन रमेश डोडिया ने कहीश के जे सीधा दृश्य है ये सीधा दृश्य आपने बतावे कि जे प्रकारे जिग्नेश मेवाणी अत्यारे ये थी रहा है और क्या क्या जो जाइए तो कांग्रेस नेताओं आया है। गांधीनगर जिला कांग्रेस प्रमुख अपनी साथ अरविंद सिंह जोड़ाया है। अरविंद सिंह, आ समग्र मामला ने कई रीत देखाव है, शू है कार्यक्रम कांग्रेस? गुजरात में जो दलितों पर अन्याय थी रो एना अनुसंधान में वड़ीरामना धारासभ्य जिग्नेश भाई मेवाणीए एक लड़त लीधी है। आखा गुजरात में जे दलितों पर जमीनों बाबत में एमनी में असूत बाबत में जे अत्याचार थी रहा है भाजपनी सरकार में एनी सामे जोरदार रीते जिग्नेश भाई लड़ी रहा है। एनी साथ जिग्नेश भाई साथ गांधीनगर जिला कांग्रेस समिति और गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति संपूर्ण एमनी साथ है। जे प्रकारे अत्यारे अहींया क्यांक क्यांक वातावरण पण गरम थई रह्युं छे, जे प्रकारना दृश्यो सीधी रीते आप जोई शको छो के जे दृश्यो छे लोको मोटी संख्यामां उभा आया छे, अहींथी शुं कार्यक्रम आगळ तमारो? अहींयाथी जे अमारा कोंग्रेसना मेन 5-6 आगेवानो डीजीपी साहेबने मळशे अने गुजरातमां बनी रहेला जे बनावो उपर आ सरकार अंकुश लावे, लो एंड ऑर्डर सारी रीते साचवे एना माटे गुजरात प्रदेश कोंग्रेस समिति 5 आगेवानो आजे डीजीपी साहेबने मळी अने आवेदनपत्र आपशे। चोक्कस आवेदनपत्र डीजीपी साहेबने आपवाना छे। 5 आगेवानो जशे ए सुधीनी व्यवस्था अहींया करवामां आवी छे। चुस्त पोलीस बंदोबस्त पोलीस भवन जे छे एनी आसपास सीधी रीते गोठवी देवामां आव्यो छे अने जे दृश्यो जे आप जोई शको छो जे दृश्यो सीधी रीते जे कार्यकर्ताओ छे कार्यकर्ताओनी साथे क्यांक ने क्यांक सीधी रीते लोको पण जोड़ायेला छे अने जे प्रकारे अहींया सीधी रीते ए थई रह्युं छे। आप जिग्नेश मेवाणी गांधीधाम एसपी और कच्छना रेंज आईजी चिराग करोड़िया अति गंभीर फरज बेदरकारी कारण कच्छ जिल्ला में दलित समाज की जमीन में जो माथाभारे गुंडाओ घुसेला है એ ગમે ત્યારે દલિત સમાજના ખેત મજૂરોની ઉપર જીવલેણ હુમલો કરી શકે એમ છે। આ બાબતે છેલ્લા 18 મહિનાથી ગાંધીધામ એસપી અને આઈજી ચિરાગ કોરડિયા સમક્ષ અનેક લેખિત મૌખિક રજૂઆતો કર્યા બાદ પણ જે કિસ્સામાં સ્પષ્ટ લેન્ડ ગ્રેબિંગ અને એટ્રોસિટી મુજબ ગુનો દાખલ કરવાનું થાય એમાં ગુનો દાખલ તો નથી કરતા, પણ દબાણ કરનારા લોકો ગમે ત્યારે હુમલો ન કરે એને સુનિશ્ચિત કરવા અટકાયતી પગલાં પણ નહોતા ભરતા એની રજૂઆત લઈને કોઈ દલિતોના ખૂન ન થાય એવી વાત લઈને 15 ઓક્ટોબરે એસસી ડિપાર્ટમેન્ટ અમારા ચેરમેન હિતેન્દ્ર પીઠાડિયાને હું પાંડેને મળવા આવ્યા ત્યારે આપ સૌ જાણો છો એમ બહુ જ બદતમીજીપૂર્વક એમણે વર્તન કર્યું, મારા ટી શર્ટ ઉપર કપડાં ઉપર કોમેન્ટ કરી મને કહ્યું કે ફરી તમને આ ચેમ્બરમાં ઘૂસવા નહીં દઉં, તમને ફરી અપોઇન્ટમેન્ટ નહીં મળે, તમને એન્ટરટેન નહીં કરું, તમારી વાત નહીં સાંભળું। તો એ કહેવા માગીએ છીએ કે પાંડન સમજી લે, ગુજરાત પોલીસ ભવન એ કોઈ આઈપીએસના બાપની જાગીર નથી અને એમના આ નિવેદનો એમના આ બેહુદા વર્તાવના કારણે સમગ્ર ગુજરાતના દલિત યુવાન દલિત સંગઠનોમાં ભયંકર આક્રોશ નારાજગી અને રોષ છે। આજે જ મેં પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રીને પણ પત્ર લખ્યો છે કે તાબડતોબ અગાઉ 302ના આરોપી રહી ચૂકેલા 7 વર્ષ જેલ ભોગવી ચૂકેલા આ વ્યક્તિને નોકરીમાંથી
ટર્મિનેટ કરવામાં આવે એની સામે સખત